हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्रिएशन। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली वाले काबली चने। चने बहुत टाइप के बनते हैं, मगर मैं आज ऐसे बनाऊंगी विदाउट ऑयल, विदाउट ऑनियन, विदाउट अदरक लहसुन, कुछ भी नहीं डालेंगे। फिर भी बहुत ही टेस्टी यम्मी बनते हैं और ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी बनेंगे। चने बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका सामान देख लेते हैं। तो मैंने ये आधा किलो चने लिए, इसको पूरी रात मैंने पानी में सोक कर दिए थे और उसके बाद मैंने बॉईल किए। 3 से 4 विसिल देना, इस तरह से हमें बिल्कुल चने सॉफ्ट चाहिए। और एक बड़ा आलू लिया है, उसको भी बॉईल कर दिया है। एक बड़ी चम्मच रेड चिली पाउडर, एक बड़ा चम्मच बेसन, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, और कुछ धनिया पत्ती लिए, थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी इमली ली है, उसको मैंने पानी में भिगो कर उसका ये पूरा पानी निकाल दिया है। और 2 ग्रीन चिली, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और पिंच इतना कलर, खाने वाला कलर लिया है। सबसे पहले हमने ये एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें ये जो हमने इमली का पानी लिया है इसमें डालेंगे, और ये जो बेसन लिया है इसके साथ डालेंगे। इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको बिल्कुल प्रॉपर अच्छा मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। ये हमने इमली और बेसन को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आइए अब हम चना बनाना स्टार्ट करते हैं। चने बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा पॉट लिया है और गैस को फुल आंच पे खोल दिया है। अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इमली और बेसन का, इसमें डालेंगे और इसके साथ आधा ग्लास पानी डालेंगे। और ये जो हमने आलू लिया था एक बॉईल करके, उसको पूरा अच्छे से मैश कर दिया है। ये डालने से इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। इसमें हम टमाटर ओनियन कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, ये इसके साथ डालेंगे और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और इसके साथ ये जो ग्रीन चिली भी ली थी इसके साथ डालेंगे। इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया, इसके साथ डालेंगे ये रेड चिली, ये सॉल्ट, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैंने बॉयल किए थे जब भी, इसमें सॉल्ट डाल के बॉयल किया है। और इसके साथ ये कलर आने वाला, इसको अच्छे से बॉयल आ जाए। ये बहुत ही अच्छा, इसमें एक बॉयल भी आ गया है, बहुत जबरदस्त कलर, देखो कितना अच्छा हो गया है। इसको 2 मिनट और हम पकाएंगे अच्छे से, ताकि इसमें ये जो आलू डाले हैं वो पूरे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये जो हमने जो चने बॉईल करके रखे थे इसके साथ डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है और झटपट ये चने बन जाते हैं। इसको हम कवर करेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद एक बार चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए, अब हम एक बार चनों को चेक कर लेते हैं। वाह, ये बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है और उसको अच्छे से एक बॉयल भी आ गया। ये इसमें इमली के साथ बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके साथ हम डालेंगे ये जो हमने गर्म मसाला लिया था, ये गर्म मसाला और ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच है, इसमें आधा चम्मच इसके अंदर डालेंगे, बाकी गार्निश के लिए हम रखेंगे। और ये जो ग्रीन धनिया पत्ती, ये भी इसके साथ थोड़ा डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको एक बॉयल आने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। ये हमारे गर्मा गर्म चने रेडी हैं। इसको गार्निश कीजिए धनिया पाउडर और ग्रीन फ्रेश धनिया के साथ, और ये कुछ ग्रीन चिली है, इसको लंबा लंबा कट करके इस तरह से आप डेकोरेट कीजिए। ये हमारे गर्मा गर्म चने रेडी हैं। पूरी के साथ भी खा सकते हो, और इसमें थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखोगे तो चावल के साथ भी खा सकते हो, और चपाती के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं विदाउट ऑनियन विदाउट ऑयल के। इनको ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।